12 फरवरी 2008 दमास्कस में स्थित एक अपार्टमेंट के बाहर मोसाद के कुछ एजेंट्स की हलचल शुरू हो जाती है। देखते ही देखते कुछ देर बाद एक सिल्वर कलर की एसयूवी उस अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में प्रवेश करती है। हल्की सी ट्रिम बियर्ड और एक एक्सपेंसिव काले कलर का सूट पहना हुआ आदमी गाड़ी से बाहर निकल अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। मोसाद एजेंट्स ने पाया कि उस आदमी के साथ उसका कोई बॉडीगार्ड नहीं था। बॉडीगार्ड के न होने की पुष्टि पाते ही ट्रांसमीटर द्वारा एक दूसरे से संपर्क करके एक एजेंट ने कहा कि द मैन हैज अराइव्ड इन दमास्कस। एक्सपेंसिव सूट पहना हुआ आदमी हाथ में एक गिफ्ट लेकर अपनी सीक्रेट लवर जो एक सीरिया की लड़की थी उससे मिलने जा रहा था। ब्लैक सूट पहने उस आदमी का पीछा कर रहे मोसाद एजेंट्स उसका चेहरा और हुलिया एक बार फिर अपने फोन में दिए हुए आइडेंटिटी से वेरीफाई करते हैं और एक रिपोर्ट तत्कालिक तेल अवीव में स्थित मोसाद हेडक्वार्टर्स में भेजते हैं। तेल अवीव में स्थित मोसाद की टीम रिपोर्ट पाते ही चौकन्ना हो जाती है और तुरंत मोसाद डायरेक्टर मीर दगान के ऑफिस जा पहुंचती है। रिपोर्ट्स देखते मीर दगान के चेहरे पर चिंता साफ साफ छलकने लगती है। अपने चिंता को अपॉर्चुनिटी में बदलने का वक्त आ गया और यह सोचते ही सारे इक्विपमेंट सेट कर दिए गए मॉनिटरिंग रूम में जहां से आगे के ऑपरेशन का सीधा मॉनिटर किया जाना था। आखिर कौन था यह आदमी जिसका पीछा मोसाद कर रही थी? ऐसा भी कौन सा मिशन था जिसे पूरा करने के लिए मोसाद के एजेंट्स अपने दुश्मन देश में घुसकर अपनी जान को हथेली पर रख हर हाल और किसी भी कीमत पर उस मिशन को पूरा करना चाहती थी? जानने के लिए बने रहिए एस्पिनाज स्टोरी के आज के एपिसोड लव एंड द डेथ इन आफ्टरनून। पंद्रह नवंबर 2001 ट्विन टावर अटैक के बाद FBI ने 22 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची निकाली। उस लिस्ट में सबसे ऊपर का नाम जिसके ऊपर $5 मिलियन का इनाम था वह था इमाद बुगनिया। ट्विन टावर अटैक से भी पहले इमाद बुगनिया कई बार अमेरिका के सीने पर गहरा घाव छोड़ चुका था। उसने कई सिविलियंस और डिफेंस के जवानों को अपने आतंक का शिकार बनाया था, जैसे April 18, 1983 बेरूत में स्थित अमेरिकन एम्बेसी पर हमला, 63 मौत। October 23, 1983 बेरूत में स्थित US मरीन हेडक्वार्टर्स पर बॉम्बिंग, 241 डेड। ठीक उसी दिन बेरूत में स्थित फ्रेंच पैराट्रूपर हेडक्वार्टर में बॉम्बिंग, 58 डेथ। CIA ऑफिशियल विलियम बकली का मर्डर, कुवैत में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला, TW Airlines और दो कुवैत एयरलाइंस के प्लेन पर हाईजैक, UN ऑब्जर्वर कॉलोनील WR Hines की हत्या, सऊदी अरब में 20 अमेरिकन सोल्जर का कत्लेआम और असंख्य सिविलियन के मौत के कसूरवार था इमाद बुगनिया। FBI ने उसके बाद इसराइल को इमाद के आतंक का रिपोर्ट भेजा, जिसमें मोसाद एजेंसी ने भी अपने डेटा उस रिपोर्ट के साथ ऐड किए, जैसे November 4, 1983 IDF हेडक्वार्टर्स पर हमला, 60 डेड। March 10, 1985 इसराइल लेबनीज बॉर्डर पर IDF कॉन्वॉय पर हमला, 8 लोगों की मौत। March 17, 1992 अर्जेंटीना में स्थित इसराइल एम्बेसी पर बॉम्बिंग, 29 डेड। इसके बाद दो इसराइली सोल्जर रेजिव और गोल्डस्वासर का अपहरण करके हत्या की इसराइल लेबनीज बॉर्डर पर, जिसने जन्म दिया सेकेंड लेबनान वॉर को। इन सब अपराध को अंजाम देने वाला इमाद किसी घोष से कम ना था। वो ज्यादातर मिडल ईस्ट में ही छिपा रहता, न वो कभी फोटो खिंचवाता न किसी को इंटरव्यू देता। वेस्टर्न सीक्रेट सर्विस इमाद के बारे में बहुत कुछ जानकर भी अनजान थी। जानती थी तो सिर्फ इतना कि इमाद 1962 में साउथ लेबनान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। टीनेज में उसका परिवार बेरूत शिफ्ट हो गया, जहां PLO के सपोर्टर्स ज्यादा थे। उसने अपने कजिन से शादी की और आगे चलकर दो बच्चों का पिता बना। इतनी सी इन्फॉर्मेशन के साथ इंटेलिजेंस एजेंसी खोज रही थी एक इनविजिबल टेरर घोस्ट को। इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध हुआ, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली। इस युद्ध में लेबनान की हार हुई और इसराइल ने PLO को भी बुरी तरह से शिकस्त दी। इसके बाद इमाद बुगनिया ने हिजबुल्ला ज्वाइन किया, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसे 1982 में बनाया गया। हिजबुल्ला को ईरानियन रिवोल्यूशन गार्ड ने ट्रेन किया और उन्हें आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी सप्लाई कर दी। देखते ही देखते हिजबुल्ला इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इसराइल को लेबनान से खदेड़ फेंकना। हिजबुल्ला गठन के पहले दिन से ही इमाद ने आतंकी गतिविधियां शुरू कर दी। इमाद पर्दे के पीछे रहकर काम करने लगा, मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस से भी दूरी बनाए रखता।
यह पूरी तरह से रखी गई गुप्त जिंदगी के कारण ही कोई उसके एक्चुअल पोजीशन नहीं जान पाता था। उसके ऊपर बनाए गए हर रिपोर्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार वो हिजबुल्ला लीडर शेख फदुल्ला का बॉडीगार्ड बनाया जाता था, तो दूसरे रिपोर्ट में वह हिजबुल्ला का ऑपरेशन चीफ था। बस इसी तरह पर्दे के पीछे रहकर इसराइल और अमेरिका को चोट पे चोट देने लगा और देखते ही देखते आतंक जगत में वह सबसे खूंखार और शातिर आतंकवादी बन गया। हिजबुल्ला का आतंक अपने पीक पे था। क्या CIA, क्या मोसाद और क्या अन्य सीक्रेट एजेंसीज, इमाद किसी के हाथ नहीं आया। लेकिन साल 1988 की बात है जब इमाद फ्रेंच अथॉरिटी के हाथ लगभग पकड़ा ही गया था। हुआ था कुछ ऐसा कि 1988 के साल यात्रा करते वक्त उसकी एयरप्लेन का स्टॉप ओवर पेरिस में हुआ। CIA को पता चल चुका था कि उस एयरप्लेन में इमाद था। CIA ने तुरंत फ्रेंच अथॉरिटीज को इमाद के फोटोग्राफ्स के साथ कुछ डिटेल्स और फेक पासपोर्ट के इन्फॉर्मेशन भेजे। फ्रेंच अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन इतनी तो मिली चुकी थी कि उसे धर दबोचा जा सके, लेकिन फिर भी इमाद को छोड़ना ही उन्होंने सही समझा। वो भी इसलिए क्योंकि उस वक्त लेबनान के कब्जे में फ्रेंच हॉस्टेजेस थे। इमाद को अरेस्ट कर वे लोग अपने नागरिकों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए इमाद को छोड़ देना ही उनके लिए सही था। CIA ने इसके बाद भी इमाद को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, 1986 में यूरोप, 1995 में सऊदी अरेबिया, लेकिन किसी हवा की तरह गायब होने वाला इमाद हर बार सफल रहता। जब FBI और CIA के हाथों से इमाद बार बार फिसल कर निकलने लगा, तब CIA ने मोसाद से मदद मांगी। मोसाद ने काफी रिसर्च और उनके एजेंट से छानबीन करवाने के बाद इमाद की एक प्रोफाइल बनाई, जिसमें लिखा था कि इमाद काफी बेहद इम्पल्सिव, अकेले रहने वाला, करिज्मेटिक, किसी पे भरोसा ना करने वाला और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अच्छा नॉलेज रखने वाला आदमी था। वेस्टर्न एजेंसीज के अनुसार हर बड़े आतंकी ऑपरेशन के बाद इमाद अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाता था ताकि उसे कोई पहचान न सके। अपने एक रूप को इमाद कभी भी लंबे समय तक नहीं रखता था और हर समय एक नए रूप के साथ मानो एक नया जन्म लेता था, इसलिए मोसाद ने उसे द मैन विथ 9 lives का टैग दिया था। CIA को कई बार मिले उसके फोटोग्राफ्स कभी काम न आते थे क्योंकि हर बार चेहरा बदलने में माहिर इमाद अपने पिछले रूप से बेहद अलग ही नजर आता, इसलिए उसके स्पाई फोटोग्राफ्स भी लंबे समय तक काम नहीं आते। सेकेंड लेबनान वॉर के अंत के बाद मोसाद ने पैलेस्टीन के कुछ लोगों को जो लेबनान में रहते थे और हिजबुल्ला के कट्टर विरोधी थे, उन्हें मोसाद एजेंट्स की तरह रिक्रूट किया। ऐसे ही एक एजेंट की बहन जो इमाद मुगनिया के गांव में रहती थी, उसे नहीं पता था कि उसका भाई मोसाद के लिए काम करता है और उसने बातों ही बातों में यह कह डाला कि इमाद इस बार जब यूरोप से वापस आया तब उसका चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ था। एक बार में कोई पहचान न पाए उस तरह का पूरा शक्ल और हुलिया बदला था। चेहरे बदलने की पूरी बात उस एजेंट ने मोसाद को बताई। मोसाद के पास अब एक नया चैलेंज था, यूरोप के सारे प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक की पड़ताल करनी थी, जो एक बहुत ही कठिन टास्क था। मोसाद ने ज़्यादातर अपने एजेंट्स यूरोप में एक्टिवेट कर दिए। फाइनली जर्मनी के बर्लिन शहर से मोसाद को एक एजेंट द्वारा बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। उस एजेंट के इन्फॉर्मर ने बताया कि इमाद एक या दो नहीं परंतु 9 प्लास्टिक सर्जरी कर चुका है, जिसके कारण उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। जिस क्लिनिक से वह अपनी सर्जरी करवाता था वो दरअसल ईस्ट जर्मन सीक्रेट सर्विस के एजेंट का प्लास्टिक सर्जरी कर कई सीक्रेट कोवर्ट मिशन में एजेंट्स को भेजती। काफ़ी नेगोशिएशन और एक मोटी रकम देने के बाद उस इन्फॉर्मर ने मोसाद को एक फाइल सबमिट की जिसमें इमाद के 34 अपडेटेड फोटोग्राफ्स थे। उन सारे अपडेटेड फोटोग्राफ्स को मोसाद डायरेक्टर मीन दगन के सामने प्रस्तुत किया गया। मोसाद ने तत्काल एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के अनुसार इमाद का करंट चेहरा कुछ इस प्रकार था। इमाद ने अपने जबड़े का सर्जरी करवाया था जो उसे हल्का सा स्किनी लुक दे रहा था। उसके काफ़ी दांतों को निकाल आर्टिफिशियल दांत बिठाए गए, चश्मे को निकाल कॉन्टैक्ट लेंस और बालों में ग्रे कलर से कलरिंग किया गया था। इमाद अब पूरी तरह से बदल चुका था। रिपोर्ट तैयार करने के बाद मीर दगान ने इमाद को खत्म करने का जिम्मा मोसाद के असैसिनेशन यूनिट किडोन को दिया। इमाद पर पहले से काम करने वाले ऑफिशियल्स को भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया। इमाद को मारने का प्लान इतना आसान भी ना था। मीर दगान जानते थे कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में इमाद को छूना भी मुश्किल है और बहुत ही कम बार इमाद वेस्टर्न कंट्रीज जाता, ज़्यादातर वो ईरान और सीरिया में ही रहता। ईरान और सीरिया में मोसाद एजेंट्स का घुस के इमाद को मारने का काम ऑन पेपर पर भी फेलियर था,
और प्रैक्टिकल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन मीर दगान को यह भी पता था कि मोसाद इससे पहले अरब कंट्रीज, जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, उधर काफ़ी कठिन से कठिन ऑपरेशंस को सक्सेसफुली पूरा कर चुकी है। यहाँ तक रेथ ऑफ गॉड जैसे इम्पॉसिबल मिशन को पूरा करने वाली इसराइल अपने भूतकाल में कई मिशन को अंजाम तक पहुँचाने वाली मोसाद आगे भी तैयार थी। मीर दगान का कॉन्फिडेंस ही था जो यह सोचते थे कि अगर यह मिशन मोसाद पूरा कर देती है तो दुनिया भर में यह संदेश लोगों तक पहुंचेगा कि मोसाद अगर अपने दुश्मन के पीछे पड़ जाए तो उसके लिए यह दुनिया कितनी छोटी हो सकती है। कुछ दिन बाद मोसाद के हाथ एक इंटेंस रिपोर्ट आई जिसके अनुसार 12 फरवरी 2008 को इमाद डमास्कस पहुंचेगा, जहां ईरानियन और सीरियन ऑफिशियल के साथ मिलकर ईरानियन रिवॉल्यूशन एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन में शामिल होगा। लेकिन यह रिपोर्ट एक प्रिडिक्शन थी। मोसाद एजेंट्स को पूरी तरह से इमाद डमास्कस पहुंचेगा इस बात की श्योरिटी न थी। 50-50% के प्रोबेबिलिटी पर मोसाद गेम के बीचों बीच थी। किडॉन की हिट टीम अलग अलग देशों से ट्रैवल कर डमास्कस पहुंची। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद डमास्कस में मोसाद ने एक्सप्लोजिव स्मगल करवाए। मिशन के आखिरी और क्रूशियल मोमेंट पर एक इन्फॉर्मेशन मोसाद की असैसिनेशन टीम किडॉन को मिली। उस रिपोर्ट के अनुसार डमास्कस में इमाद का एक सीक्रेट लव अफेयर था जो एक सीरियन लड़की थी। इतने सालों के बाद इतनी बड़ी जानकारी मोसाद के हाथों लगी। इमाद जब भी डमास्कस जाता तो वो अपनी 29 वर्षीय सीक्रेट लवर से ज़रूर मिलता, और इस बार इस विजिट में उसके सीक्रेट लवर का 30th बर्थडे है। ऐसे संजोग में यह कन्फर्म हुआ कि इमाद डमास्कस तो अवश्य जाएगा। किडॉन की टीम में 3 मेंबर्स थे, जिसमें से एक एजेंट पेरिस से आया, दूसरा एजेंट मिलान से और तीसरा एजेंट अमान से आया था। इन तीनों एजेंट्स के पास फेक पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स थे जो दिखाते थे कि वो बिजनेसमैन है, जिसमें से 2 का बिजनेस कार ट्रेड था और तीसरा मेंबर का ट्रैवल एजेंट का। इन तीनों ने अलग अलग तरीकों से डेस्टिनेशन पर पहुंचने का प्लान बनाया। तीनों अलग अलग गाड़ियों से अपने डेस्टिनेशन पहुंचे। डेस्टिनेशन था एक लोकल गैराज जहां उन्हें रात बितानी थी। वहां उनके पास एक्सप्लोजिव पहुंचाया गया दूसरी टीम द्वारा, जो बेरूट के रास्ते से डमास्कस पहुंची थी। इस दूसरी टीम का काम था उस फ्लैट पर निगरानी रखना जहां इमाद अपने सीक्रेट लवर से मिलने वाला था। यह फ्लैट दरअसल रेमी मोकल्फ का था, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और साथ ही साथ सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असाद का कजिन भी था। दूसरी टीम ने गैराज में एक्सप्लोसिव सप्लाई किए, साथ ही साथ एक कार भी दी जिसमें बॉम्ब प्लांट करना था। किडॉन की टीम पूरी रात सोए नहीं और बॉम्ब बनाने में लगी रही। अगले सुबह निर्णायक दिन था, सारे एजेंट्स पूरी तरह चौकन्ने थे। दूसरी टीम पूरी तरह से अपने रोल को निभा रही थी, जो था फ्लैट पर ध्यान रखना और दिन के शुरुआती समय से इमाद का पीछा करना। इमाद की कार जब अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट पर आई तब सारे एजेंट सतर्क हो गए। इमाद के साथ कोई बॉडीगार्ड ना था। दूसरी टीम इमाद के पल पल की खबर किडॉन टीम को दे रही थी, जो एक्सप्लोजिव के साथ तैयार थी। फ्लैट में कुछ घंटे बिताने के बाद इमाद कफर सोसा के लिए निकला, जहां उसे ईरानियन रेवोल्यूशन के एनिवर्सरी में शामिल होना था। इमाद का पीछा कर रही दूसरी टीम ने बड़ी स्मार्टली काम किया और किडॉन टीम को रिपोर्ट करते रहे, और साथ ही साथ तेल अवीव में स्थित मोसाद हेडक्वार्टर्स को भी। किडॉन की टीम ने पार्किंग लॉट में एक्सप्लोजिव वाली गाड़ी प्लांट की। इमाद अपने मीटिंग वाले डेस्टिनेशन पर पहुंचता है और एक्सप्लोजिव वाले कार के ठीक 2 कार बाद अपनी कार पार्क करता है। जैसे ही वो अपने कार से उतरता है कि किडॉन की टीम बटन दबाती है और एक जोरदार धमाके के साथ कफर सोसा का पूरा इलाका दहल जाता है। एक्सप्लोजन में दुनिया का सबसे खूंखार टेररिस्ट इमाद मुगनिया मारा जाता है। इमाद के मौत ने हिजबुल्ला को अंदर तक हिला दिया। एक बुरे सपने से कम न था हिजबुल्ला के लिए इमाद की मौत। इस बार इसराइल ने हिजबुल्ला की मानो कमर ही तोड़ दी थी। हालांकि इमाद के मौत के 6 महीने बाद, यानी नवंबर 2008 को लेबनीज अथॉरिटीज ने 50 वर्षीय अली जेरा नामक एक आदमी को पकड़ा। बेहद ही क्लीन तरह से किया गया यह मिशन अपने पीछे कोई सबूत छोड़कर न गया। कोई पुख्ता सबूत अली जेरा के पास से न मिला, परंतु हिजबुल्ला का बार बार यह कहना था कि अली जेरा मोसाद का ही एजेंट है। US डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन ने अपने आर्टिकल में बताया कि इमाद एक कोल्ड ब्लडेड किलर था, एक मास मर्डर था जो अनेक लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार भी था, और यह भी कहा द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस विदाउट हिम।
तो दोस्तों, यह कहानी थी मोसाद के उस इम्पॉसिबल मिशन की जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। इमाद को मारकर दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान ही किया मोसाद ने। आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी रोचक एस्पिनाज स्टोरी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।